परम पूज्य स्वामी रामदेव जी बाबा जी, आदरणीय व्यासपीठ, सभी भाई और बहनों, समय बहुत कम है लेकिन स्वामी जी कहे 5 मिनट के लिए बोलो। मुझे एक बात की खुशी है कि मैं 25 साल से मेरे जीवन में ये संघर्ष के विरोध में लड़ रहा हूं और एक दो नहीं 6 कैबिनेट मिनिस्टर घर चले गए, एक दो नहीं 6 कैबिनेट। और अभी आज जो ये माहौल शुरू हो गया, जो आज आजादी की दूसरी लड़ाई आज से शुरू हो गई है, तो मुझे आज स्वामी जी कहे कि मेरा उम्र ज्यादा नहीं, मैं जवान हूं, जवान हूं। और आज मुझे ये माहौल देखकर 6 मिनिस्टर का विकेट लिया और 1 डजन मिनिस्टर का विकेट ले लूंगा। अभी इतनी शक्ति मिल गई आज। सिर्फ मुझे एक ही अपेक्षा है सब कार्यकर्ता के लिए, मेरी विनती है, ये भ्रष्टाचार को जो मिटाना है, ये भ्रष्टाचार को जब मिटाना है तो इसमें 2-3 बातें करना है। एक तो आज ने देखा आपने, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और उस पर इंक्वायरी लगाई सरकार ने, इंक्वायरी कौन? सीबीआई, सीबीआई। अरे सीबीआई कौन है? ये सरकार के अंडर में बसी हुई है, ये क्या न्याय देगी? तो हमें ये लड़ना पड़ेगा कि सरकार के अंडर में जो सीबीआई है इसको हटाओ, इसको हटाओ, अलग से यंत्रणा खड़ी करो, सरकार ने उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। और यह संभव नहीं, संभव है, संभव है। देखो हम लोग 7 कानून बनाए महाराष्ट्र में, सरकार किसके लिए डरती है पता है? सरकार धरना मोर्चा इसके लिए डरती नहीं, डरती आप जो मांग कर रहे हैं उसको अगर नहीं पूरा किया तो हमारी सरकार गिरने वाली है, ये जब सरकार को पता चलता है तो सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। तो आगे के लिए सरकार गिराने की ताकत आप हम में निर्माण करनी है। और मुझे आज ये सब मुझे आज देखकर ये मुझे जरूर विश्वास हो रहा कि हमारे देश में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में पूरी देश में जो अभी ये आंदोलन होगा उसमें सरकार गिराने की शक्ति आएगी, एक दिन सरकार को गिराएंगे। अगर नहीं करते हैं काम तो सरकार को गिराने की शक्ति ये आ जाएगी। मेरी एक ही विनती है, यहाँ युवक है, युवक युवक को विनती है, ये आंदोलन चलाना है ना तो चारित्र को संभालना पड़ता है, चारित्र। जिसका चारित्र शुद्ध नहीं उसके शब्दों को वेट नहीं आएगा, वेट नहीं आएगा। संभालो आपके चारित्र को, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग, इस बातों को संभालो। ये मेरा भाषण नहीं है, मैं अपने जीवन में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना ही दाग, इतना बड़े बड़े शक्तियों के साथ, इसलिए मैं इतने बड़े बड़े शक्ति के साथ लड़ रहा हूं, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा रामदेव जी का हमें संदेश है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान करने की शक्ति ये जीवन में आनी चाहिए। तो इसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको संभालना है युवकों ने, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग। अरे त्याग ये करना ही पड़ता है, ये हमारी परंपरा है, ऋषि मुनि से आई परंपरा है, हमेशा त्याग सिखाती आई है। दाना से भरा हुआ भुट्टा, ज्वार बाजरा मक्का का भुट्टा नजर आता है खेते में, कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है, एक दाना अपने आप को मिटा लेता है, एक दाना जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? एक दाना मिटाने की जरूरत है। ये मैं पहले बताया, ये मेरा भाषण नहीं, एक स्वामी विवेकानंद उनकी प्रेरणा मिली, उम्र के 26 साल में यंग था और जब 26 साल की उम्र थी तब मैं तय किया कि मेरे आगे की लाइफ समाज के सेवा के लिए, देश के सेवा के लिए अर्पण।
खतरा लगने लगा शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए सोचा शादी नहीं करना। और आज 73 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरी तो 100 साल से ज्यादा आप हमारे बीच में रहेंगे। ये मैं शादी नहीं किया लेकिन परिवार छूटा नहीं, मेरा परिवार नहीं छूटा, छोटा परिवार करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा हो गया रामदेव जी बाबा का। रामदेव बाबा का जो परिवार है ना, वो मेरा परिवार बड़ा हो गया। अरे छोटे परिवार में सब दुख है, ये छोटे परिवार में दुख है, क्यों? ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लैटरिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठता कहाँ गया क्या हो गया। मेरा कहता ना, ये मेरा को निकाल दो, हमारा मेरा को निकाल दो है? छोटा परिवार करो लेकिन साथ साथ बड़ा परिवार करो, छोटे परिवार के साथ बड़ा परिवार, ये छोटे परिवार में सब दुख है, है? तो इसका मतलब अन्ना हजारे जैसा नहीं, जहाँ यहाँ युवक बैठे हैं जिनका शादी नहीं हुआ उनको मेरा संदेश नहीं, आप भी शादी मत करो, शादी करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, अपने परिवार को चलो, लेकिन मेरा समाज, मेरा देश इनकी याद रखेंगे नहीं। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी जा रहे, फांसी, फांसी का तख्ता देख रहे हक से, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे अंग्रेजों को कह रहे थे, अरे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। इसलिए इसलिए हमारे आजादी के लिए, हमारे आजादी के लिए कुछ याद रखेंगे नहीं रखेंगे, इसलिए मैं तो उनकी प्रेरणा लेकर यह तय किया उम्र के 26वें साल में, यह मैं तय किया और रामदेव बाबा का साथ मिला और मैं अभी भी दो कदम आगे बढ़ाने के लिए अभी आगे बढ़ रहा हूं। मैं 26 साल में तय किया, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, बस।